राम चरण सुखदाई। बिग मैजिक गंगा के सभी दर्शकों को संगीता तिवारी का भक्ति में नमस्कार और स्वागत। एक बार फिर से उपस्थित हूँ देवलोक की महिमा और गुणगान के साथ, लेकर वो कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं राम चरण सुखदाई। आज उन देवता का दिन है जिनकी दशा शुरू होती है तब राजा को भी रंक बना देती है और पराक्रमी भी निर्बल होकर दया की भीख मांगने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि देव की। शनि देव की दशा से पांडव और भगवान राम भी जब नहीं बच पाए तो हम सामान्य मनुष्य की क्या बिसात है। शनि देव की इस महिमा के कारण हम मनुष्य शनि से भय खाते हैं और हमेशा उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम भी अपने इस भजन से उन्हें प्रसन्न करें। हनुमान भगवान श्री राम के लिए क्या स्थान रखते थे ये इस भजन से बेहतर नहीं समझा जा सकता। जब भरत से भेंट होती है 14 बरस बाद, तो रामचंद्र जी भरत जी को हनुमान जी की महत्ता बताते हैं और कहते हैं, भरत भाई कपि से उरी ने हम नाही, भरत भाई कपि से उरी ने हम नाही, भरत भाई कपि से उरी ने हम नाही, कपि से उरिण हम नाही, भरत भाई कपि से उरिण हम हनुमत न होते, जो कहूँ भैया हनुमत न होते, को राखो जग माही, को ना तो जग माही, भरत भाई कपि से उरिण हम नाही, भरत भाई कपि से उरिण हम नाही, 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 भरत भाई कपि से उरिण हम नाही, कपि से उरिण हम नाही, कपि से उरिण हम नाही। शनि की दशा काफी लंबे समय तक रहती है,
क्योंकि सभी ग्रहों में इनकी गति धीमी है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा शुरू होती है तो कम से कम उसे 2.5 वर्ष तक कठिन और विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उस 2.5 वर्ष की अवधि को ढैया कहा जाता है। शनि की दूसरी दशा है 7.5, जिसे बहुत ही कठिन और दुखद माना जाता है। इस दशा के दौरान व्यक्ति को 7.5 साल तक दुख में जीवन जीना पड़ता है। ढैया और 7.5 शनि की इन दो दशाओं के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन इस भजन के बाद। दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम। पति रावण अभिमानी के मरले, एक लंकापति रावण अभिमानी के मरले, एक मथुरा में जाके कंसा के संहरले, दुष्ट दलन बाटे दोनों के काम, दुष्ट दलन बाटे दोनों के काम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम। वत्सल दुनो हवे सुख धाम, भक्त वत्सल दुनो हवे सुख धाम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, 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 चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम।
शनिदेव की दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के कारण है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव बचपन से ही विष्णु जी के भक्त थे। बड़े होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से हो गया। इनकी पत्नी परम साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बार वो इनके पास गई, लेकिन ये विष्णु जी की भक्ति में लीन थे। इन्हें बाह्य जगत की कोई सुधि ही नहीं थी। इनकी पत्नी प्रतीक्षा से थक गई और कुपित होकर श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया समझाया तो उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के परिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे। शनिदेव के कुप्रभाव से आप हमेशा बचे रहे, यही हमारी कामना है। इसी के साथ सुनते हैं ये भजन। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, ऐसी कृपा हुई रघुवीर की के बन गए तुलसीदास। जगत के दाता है कृपा निधान रउआ, जगत के दाता है श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है कृपा निधान रउआ, जगत के दाता है। चरण धोवनी गीध पत ही लगौनी, जाने जहान रउआ जगत के दाता है कृपा निधान रउआ, जगत के दाता है श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है। गज के उबार देहनी ग्राह के मार देहनी, गज के उबार देहनी केवा समान रउआ जगत के दाता है, केवा समान रउआ जगत के दाता है कृपा निधान रउआ, जगत के दाता है।
मैया शबरी घर गईनी प्रेम से बिरवे खैनी मैया शबरी घर गईनी प्रेम से बिरवे खैनी कई के बखान रहुआ जगत के दाता है कई के बखान रहुआ जगत के दाता है कृपा निधान रहुआ जगत के दाता है जी भगवान रहुआ जगत के दाता है कृपा निधान रहुआ जगत के दाता है कृपा निधान रहुआ जगत के दाता है हो कृपा करे सब कोई राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम हो अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहु विधि सब संता राम सिया राम जय राम जगत के दाता है कृपा निधान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है जगत के दाता है जगत के दाता है शनिदेव उसे ही दंडित करते हैं जो गलत काम करता है अन्याय करता है इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी अभी दीजिए मुझे इजाजत नमस्कार